आज मैं बात करूंगी कुपोषण के बारे में। कुपोषण का क्या कारण होता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुपोषण का कारण होने का कारण है कि अल्प पोषण या अति पोषण, दोनों होना ही कुपोषण होता है। अल्प पोषण या तो जितने बच्चे की रिक्वायरमेंट है उतना उसको पोषण नहीं मिल रहा, या पोषण वो जो ले रहा है, जो खा रहा है, उसमें पोषक तत्वों की कमी होना, तो इसकी वजह से कुपोषण होता है। कुपोषण के कारण ये भी हो सकते हैं, या तो उसका वजन बढ़ना बंद हो गया हो, वृद्धि नहीं हो रही हो, या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई, जिसकी वजह से बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो मुख्य कारण है बीमार पड़ने के, जैसे कि एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने, जिसे कि निमोनिया कहते हैं, दूसरा डायरिया होने के कारण हो सकता है, या कृमि के कारण भी बच्चे का सही पोषण नहीं हो पाता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं जिसको, ये होता है। तो इसकी वजह से बच्चे का जो सही पोषण नहीं मिलने के कारण बच्चा बीमार रहता है। जो बच्चा बीमार रहता है तो इसकी वजह से भूख की कमी हो जाती है। भूख की कमी की वजह से भी बच्चे को जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो अब है कि इसे हमें कैसे एसेस करना चाहिए। एसेस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का वजन लेना, लंबाई या ऊंचाई लेना, लंबाई या ऊंचाई के कारण अगर देखें कि उसकी जितनी लंबाई होनी चाहिए उतना लंबाई ना हो, तो यानी कि नाटा होगा सामान्य बच्चों की तुलना में, दूसरा कि सामान्य बच्चों की तुलना में उसका वजन कम होना, और तीसरा कि सामान्य बच्चे की तरह लंबाई तो है लेकिन उसका वजन वृद्धि नहीं होगा, सूखापन, ये सबसे ज़्यादा खतरों के लक्षण होते हैं। इसमें बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है, मतलब कि अन्य बच्चों की तुलना में इसमें 9 गुने चांस होते हैं मृत्यु के होने के। इसीलिए बच्चा जब बीमार पड़ता है उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और बच्चे का विधि निगरानी करवाएं, मतलब वजन हाइट देखें। उसके अलावा वहाँ पे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं वो बच्चे का असेसमेंट करते हैं, क्या क्या, मतलब कि उसके न्यूट्रिशन का असेसमेंट करते हैं, उसके स्वास्थ्य का असेसमेंट करते हैं कि उसमें कोई गंभीरता के लक्षण तो, बीमारी के लक्षण तो नहीं है, जॉन्डिस के वाले लक्षण तो नहीं है, या डायरिया के लक्षण तो नहीं है, फीवर या हाइपोथर्मिया के लक्षण तो नहीं है, बच्चा अगर स्तनपान कर रहा है तो स्तनपान सही है कि नहीं, उसका जो टीकाकरण है एज पर शेड्यूल उसका टीकाकरण हुआ है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसकी जो ये करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद फिर बच्चे को कैटेगराइज किया जाता है कि बच्चा किस कैटेगरी में है, जिसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र भेजने की आवश्यकता है, रेफरल करने की आवश्यकता है, दूसरा या तो उसे तुरंत वहाँ पे दवा देना है और दवा देके घर भेजना है, फिर फॉलोअप के लिए बुलाना है, और तीसरा कि बस जो नॉर्मल खान पान से जो त्रुटि है उसको सही करके बता के, यानी कि काउंसलिंग करके, परामर्श जिसे कहते हैं, करके उन्हें घर भेजना है। अगर उसके अलावा माल न्यूट्रिशन का असेसमेंट करना है, कुपोषण का, कुपोषण के असेसमेंट करने पर अगर बच्चा -3 SD में आता है तो तुरंत उसे कुपोषण उपचार केंद्र भेजना है। अब यहाँ पे 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं जो कुपोषित हैं, या तो वो उसमें कोई गंभीरता के लक्षण होंगे, और दूसरा कि जिसमें बीमारी के लक्षण नहीं होंगे। जो गंभीरता के लक्षण हैं तो उनसे तो कुपोषण उपचार केंद्र भेज देना है, जिसमें गंभीरता के लक्षण नहीं हैं उन्हें उनके जो आसपास रहने आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ में ANM के निगरानी में उस बच्चे को रखना है, मतलब कि उन्हें जो दवाइयाँ हैं 5 दिन की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन्स,
आयरन की गोली, जिंक की गोली, डीवॉर्मिंग ये करना है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी से THR टेक होम राशन मिलता है, जो उसे गर्म पानी में डाल के बच्चे को खिलाना है, 3 बार उसे टेक होम राशन खिलाना है और 3 बार घर का खाना खिलाना है, जिससे उस अगर सही से अगर उसकी बच्चे की देख रेख की जाए, साफ़ सफाई रखी जाए, जो खाना खिलाना है वो खिलाएं, स्तनपान जारी रखें और रेगुलर हेल्थ जो आंगनबाड़ी केंद्र में विजिट करता है, तो बच्चे में वजन वृद्धि होना शुरू होता है। तो हमारे झारखंड में इस प्रोग्राम जो समुदाय स्तर पे कुपोषित बच्चों की देखरेख की जाती है, उस प्रोग्राम का नाम है समर। समर के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है वो बच्चे का स्क्रीनिंग करती है, मतलब उसके पोषक क्षेत्र में आने वाले जितने भी 5 साल से कम के बच्चे हैं उसका वो वजन और लंबाई ऊंचाई निकालती है, उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करती है कि बच्चा कुपोषण में है कि नहीं है। अगर कुपोषित है तो ANM जिस दिन आती है ANM के देख रेख में बच्चे का फिर से वजन लिया जाता है, लंबाई ऊंचाई ली जाती है, फिर उसका भूख की जांच और एडिमा का जांच किया जाता है। अगर बच्चे में एडिमा होता है तो उसे कुपोषण उपचार केंद्र भेज दिया जाता है, अगर एडिमा नहीं होता है तो उसे उसी केंद्र में आंगनवाड़ी केंद्र में ही रखा जाता है। जो दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती है, दवाइयों के अलावा उसे खान पान के बारे में परामर्श दिया जाता है, जो आंगनबाड़ी से पोषाहार मिलता है वो दिया जाता है, उसे कैसे खिलाना है इसके बारे में जानकारी दी जाती है, उसके घर में जो घर के खाने हैं उसके बारे में भी बताया जाता है कि खाने में विविधता होनी चाहिए, और साफ सफाई के बारे में भी बताया जाता है। अगर बच्चे का टीकाकरण नहीं है तो फिर टीकाकरण भी करती है, और हर 15 दिन पे बच्चे को आंगनवाड़ी में बुलाकर उसके वजन का निगरानी किया जाता है, और सप्ताह में 1 दिन जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है, सेविका दीदी होती है, वो बच्चे के घर में भी जाके विजिट करती है कि बच्चे को घर में किस तरह से रखा जा रहा है, उसका केयर किया जा रहा है कि नहीं, उसे दवाइयाँ दी जा रही है कि नहीं, अगर नहीं दी जा रही या खाना कैसे खिलाया जा रहा है तो उसमें फिर उचित परामर्श देती है। बच्चे को 4 महीना तक आंगनवाड़ी वर्कर और ANM के देख रेख में रखा जाता है। 4 महीने के बाद बच्चे की जो बस वृद्धि है कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके आधार पे उसको क्योर कहा जाता है। अगर क्योर हो जाता है तो फिर उसे 4 महीने तक फॉलोअप किया जाता है, मीन्स कि हर 1 महीने पर आंगनवाड़ी में बच्चे को बुलाया जाता है, उसकी स्वास्थ्य की जांच की जाती है, उसकी वृद्धि की जांच की जाती है, और इस तरह से बच्चे को टोटल 8 महीना आंगनवाड़ी दीदी और ANM दीदी के निगरानी में उसका इलाज और फॉलोअप होता है। तो ये थे समर के बारे में, जिसे कि समुदाय आधारित गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन कहते हैं। धन्यवाद।